बांसवाड़ा के सभी मतदाताओं को नमस्कार। मैं रवि राठौर आप सभी का स्वागत करता हूं गोल्डी डिजिनेट और गोफन टीवी के स्पेशल एडिशन चुनावी महाभारत में। जैसा कि आप सभी को ज्ञात ही है कि इन दिनों नगर परिषद चुनाव की सरगर्मियां पूरे शहर में अपने परवान पर चल रही हैं। प्रत्याशियों द्वारा घर घर जाकर प्रचार किया जा रहा है एवं मतदाताओं से अपने पक्ष में वोट करने की अपील की जा रही है। गली गली में ढोल नगाड़ों के साथ जनसंपर्क और सभाएं आयोजित की जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस पार्टी के 60 वार्डों के लिए करीब 120 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, वहीं 32 निर्दलीय भी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। क्या है इस बार बांसवाड़ा की जनता का मूड, क्या सोचती है बांसवाड़ा के मतदाता, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने विशेष कार्यक्रम बनाया चुनावी महाभारत। इसके लिए हमने गली गली नुक्कड़ों पर चौराहों पर जाकर आम लोगों से बातचीत की कि वे शहर के किन विकास के मुद्दों पर इस बार वोट देंगे और उनके क्या विकास की कार्यशैली रहेगी। साथ ही हमने इस बार पार्टी के उम्मीदवारों, निर्दलीय उम्मीदवारों एवं पार्टी के बड़े पदाधिकारियों से भी इस बारे में बातचीत की कि अगर उनके उम्मीदवार और उनकी पार्टी जीतती है तो शहर में किस तरह के विकास के कार्य किए जाएंगे। एक ज़रूरी और ख़ास बात मैं कार्यक्रम को शुरू करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, वोट जरूर दें। आप अपना कीमती और अमूल्य वोट एक सच्चे ईमानदार और कर्मठ उम्मीदवार को देकर बोर्ड में भेजें, जिससे कि एक संजीदा जवाबदेही और कर्मशील सरकार बांसवाड़ा शहर को मिले, जो कि बांसवाड़ा की मूलभूत सुविधाओं का तो ध्यान रखे, साथ ही बांसवाड़ा को विकसित करने में तीव्रता के साथ सोचें। वोट जरूर दें। गोफन टीवी और गोल्डी डीडी नेट की कार्यक्रम में जनेंद्र जी आपका स्वागत है। आपके क्या विजन रहेंगे शहर के विकास के लिए साहब? देखिए, पिछला हमारा कार्यकाल था कांग्रेस का, उस टाइम हमारे राजेश जी चेयरमैन थे, अर्जुन जी एमएलए थे, तब शहर का जो विकास हुआ था। उसके बाद जब वापस बीजेपी की सरकार आई और इनका सभापति मंजू बालाजी बनी, शहर का विकास एक तरह से रुक गया। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जब हमारी सरकार राजस्थान में थी और चेयरमैन जब हमारे सभापति यहाँ की जनता ने बनाया तो विकास ने गति पकड़ा, और जब आपकी सरकार थी, आपके मंत्री थे, क्या कारण रहा कि 5 साल के अंदर यह शहर पिछले 15 बरस से ज़्यादा के समय का पिछड़ गया? इतना क्यों पिछड़ गया शहर, इसका क्या जवाब? पहले तो हमें जवाब, और अब हम शहर की जनता को एक ही बात कहना चाहते हैं कि सरकार जिसकी होती है उसके साथ चलो, कहीं ना कहीं इसका फायदा होगा। अभी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, माननीय हमारे अर्जुन जी बामनिया यहाँ के मंत्री। अब जब शहर का अगर डेवलपमेंट हम चाहते हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं शहर में आज जो अपन मानते हैं कि ज़रूरत है इनकी। अब आप बताओ, इतना बड़ा शहर हो गया, 1 लाख से ऊपर की आबादी होगी, एक सब्जी मंडी, क्या खानदू कॉलोनी में एक सब्जी मंडी नहीं बन सकती? क्या हाउसिंग बोर्ड में एक सब्जी मंडी नहीं बन सकती? अब शहर किसे विकास करेगा? अब बड़े बड़े जो 2-3 हम चाहते हैं पुल बनने, जैसे मोक्षधाम हम जाते हैं वो वाला पुल है, छोटा पुल है, वो हाई लेवल पुल नहीं बन सकता। आज हम जैसे देखते हैं कि जवाहर पुल और अपने इधर आप चले जाओ लिंक रोड पे, 2 पुलिये ही हैं, क्या 2 पुलिये और नहीं बन सकते? क्या आदित्यलाई में नेमा समाज का जो नोरा, उसके पास से एक पुल बन के रोड कनेक्ट नहीं हो सकता? इस तरह की कई योजना है कि आज हम शहर का ट्रैफिक कम करने के लिए, अगर कुशलबाग मैदान जो है उसकी जो बाउंड्री है
वहाँ को अगर हम नई बाउंड्री बना दें और जिस तरह से स्टेडियम बनता है उस तरह से स्टेडियम की सीढ़ियाँ हम बना दें, अगर वो बन जाती है तो पीछे साइड पूरा जो भी ये चाट पकौड़े वाले क्या वहाँ अंदर शिफ्ट नहीं हो सकते? जो ट्रैफिक जो है टू व्हीलर वगैरह जो वहाँ लोग रोड पर रखते हैं वो अंदर नहीं कर सकते? ऐसी कई योजना हमारे पास हैं। आज डायलॉग है, डायलॉग को हम सुंदर नहीं बना सकते। डायलॉग को अगर चार और रिंग रोड बना के और पाल बना दे और उसके ऊपर रोड बना दे, डायलॉग कितना खूबसूरत है। बांसवाड़ा नेचुरल रिसोर्सेज बांसवाड़ा में बहुत है, कार्य करने वाला चाहिए। तो हमारी बांसवाड़ा की जनता से एक ही हाथ जोड़ के अनुरोध है कि एक बार हमें मौका दीजिए। इस बार हमने क्या पार्षदों में भी कई चेहरे से लिए हैं जो सामाजिक सोशल वर्क रहे हैं और जिन्होंने शहर के लिए आंदोलन किया। ऐसे कई रिटायर्ड हुए हुए सरकारी कर्मचारी भी हैं, कई ऐसे युवा हैं जिन्होंने जन आंदोलन भी किया। इन लोगों का भी हमने मिक्सअप किया और इस तरह से हमने पहले भी एक बात हम कह चुके हैं और आज भी मैं आपके माध्यम से जनता को एक बात कहना चाहता हूँ कि 5 साल नहीं, एक बार 2.5 साल हमें मौका दें। निश्चित आप मान के चलो 2.5 साल बाद हम वापस वही बात कह रहा हूँ कि जनमत कराएंगे जनता के बीच। पहले तो हमारा मैनिफेस्टो 2 दिन के अंदर रखेंगे और जनता को बोलेंगे हमारा मैनिफेस्टो, और 2.5 साल के अंदर इस मैनिफेस्टो के अगर 80% हम काम नहीं करें तो वापस उसी जनता के बीच में हम अपना जनमत कराएंगे कि जनता को पूछेंगे क्या हम इस सीट पर बैठने काबिल है। अगर जनता कहेगी कि नहीं आप काबिल नहीं हो तो तत्काल हम इस्तीफा दे देंगे और बोल देंगे कि हम जनता की वादों पर खड़े नहीं थे, ये हमारा वादा है। और अंत में एक बात और कहना चाहूँ, राजनीतिक भावना से आम जनता शहर की जनता को कहना चाहूँगा, राजनीतिक भावना से उठकर एक बार लोकल इश्यू पे बात करें कि शहर की गंदगी, सड़कें, आवारा पशु, इन सब जो पशु घूमते हैं जिनको उठा नहीं पाते, इन सब की बात कौन कर सकता है? क्या कांग्रेस पार्टी कर सकती है या वो लोग कर सकते हैं जिन्होंने पिछले 5 साल के अंदर इस शहर को खत्म कर दिया? ये आप लोगों को एनालिसिस करना, इसको एनालिसिस करें, समझें। शहर में बुद्धिजीवी वर्ग रहता है, 36 कौमों के लोग रहते हैं, शांति स्थापित हो और एक अच्छा शहर सुंदर बने इसके लिए आप कांग्रेस पार्टी को विजय बनाएं। धन्यवाद। नगर पालिका चुनाव को लेकर बांसवाड़ा की जनता को काफी उम्मीदें हैं कि कांग्रेस का बोर्ड बनाएंगे और कांग्रेस ही हमारा शहर का विकास कर सकते हैं, क्योंकि 2009 से 14 तक भाई राजेश जी टेलर और हमने मिलकर के शहर में अच्छे काम किए हैं जो जनता के सामने है। शहरवासियों की आशा है कि कांग्रेस का बोर्ड बनाए और वापस शहर को विकास की ओर अग्रसित करें। और इस वार में आप अच्छी तरह से जानते हो भाई निलेश जी जो समाई माता के अच्छे भक्त हैं, समाई माता एक शहर के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित है मंदिर का, तो वहाँ से देखो तो पर्यटक की दृष्टि से भी हम उसको डेवलप करने की कोशिश में हैं। एक आस्थावान कार्यकर्ता, एक मंदिर के प्रति, भगवान के प्रति आस्थावान व्यक्ति कांग्रेस में इस नगर पालिका के वार्ड पार्षद के उम्मीदवार हैं। बांसवाड़ा नगर परिषद के चुनाव हैं, कांग्रेस पार्टी ने युवा और अच्छे उम्मीदवारों का चयन किया है, क्योंकि गत 5 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड था और 5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड ने सिवाय लड़ने झगड़ने के और कोई काम किया नहीं है। रोज कोई न कोई दिक्कतें आती थी, जनता इनके सामने रोज भिड़ती रहती थी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम पार्षद भी आपस में भिड़ते रहते थे। उनको जनता का विकास नहीं करना था, सिर्फ अपने स्वयं के विकास के लिए पड़े हुए थे। इसमें बांसवाड़ा शहर का विकास रुक गया। उस विकास को, रुके हुए विकास को कांग्रेस पार्टी का बोर्ड बने और बोर्ड बनने के बाद 5 साल तक कांग्रेस का बोर्ड इस बांसवाड़ा के विकास को 4 चांद लगाए। यदि जनता ने कांग्रेस का बोर्ड बनवाया तो बांसवाड़ा का जो विकास रुका हुआ है 5 साल से, वो विकास बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और बांसवाड़ा को हिंदुस्तान के नक्शे में हम आगे लाएंगे।
बांसवाड़ा नगर परिषद के चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ में अपना काम कर रही है। पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड था, विकास नाम का इस शहर में कुछ दिखता नहीं है। वर्तमान में सरकार कांग्रेस पार्टी की है, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब हैं, डिप्टी सीएम सचिन पायलट साहब हैं। अभी जो चुनाव हुए इसके अंदर भी कांग्रेस को काफ़ी कुछ बहुमत मिला है। वातावरण कांग्रेस के पक्ष में, और निश्चित रूप से बांसवाड़ा की जनता ने ये बात तय कर ली है कि कांग्रेस का वोट लाओ, इस क्षेत्र का चहुंमुखी विकास करो। हमारी वार्ड की विकास की योजनाएं, जिसमें महत्वपूर्ण कुछ 2-3 मुद्दे हैं। विशेष करके शहर में अनेक समस्याओं के साथ हमारे वार्ड में ज़्यादा इतनी समस्या नहीं है। मुख्य 2-3 समस्या है कि हमारे मोहल्ले में सफाई वगैरह के लिए कुछ लोगों को परेशानियां ज़्यादा होती है, नालियाँ टूटी हुई है, नालियों का काम है। उसके साथ साथ मुख्य हमारे एक कचरा सेंटर जो बना हुआ भगवान गणपति मंदिर जी के बिल्कुल नज़दीक में, और बालिका स्कूल होते हुए पास में, मुख्य हमारा एक लक्ष्य तो वो है कि यहाँ से इस कचरा सेंटर को यहाँ से कहीं अलग और जगह शिफ्ट किया जाए, ताकि धार्मिक भावना और बालिकाएँ जो बच्चियाँ पढ़ती है और आम जनता को उसकी गर्मी में और इससे बीमारियाँ बहुत फैलती है। हमारी ये भावना है कि कांग्रेस का वोट बनेगा तो हम इस बताते हैं लोग कि डूंगरपुर की ऐसे बात बताते हैं, तो हम इसको बांसवाड़े को ऐसा प्लानिंग के साथ विकास करने का प्रयास करेंगे कि कोई डूंगरपुर क्या उदयपुर से कंपेयर करने लग जाएंगे लोग, उदयपुर से भी कोशिश करेंगे और बाहर से लोग पर्यटक यहाँ बांसवाड़ा आएंगे। ऐसी भावना है हमारे वार्ड की और हमारे शहर की। अपने वार्ड के विकास के लिए साहब आपकी क्या योजनाएं रहेंगी, आपका क्या विजन रहेगा अपने वार्ड के विकास के लिए? बांसवाड़ा रादी तलाई क्षेत्र एवं बांसवाड़ा के विकास में जो पिछले वर्षों से बांसवाड़ा को जो नुकसान पहुंचा है, बांसवाड़ा पीछे चला गया है, उसको विकास की मुख्य धारा में लाने, बांसवाड़ा को सौंदर्यीकरण करने, बांसवाड़ा की सड़कों को सुधारने, बांसवाड़ा के अंदर बहुत अच्छे आयाम स्थापित करने के लिए मैं कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और मैं वार्ड नंबर 10 का प्रत्याशी हूं और हम सब मिलकर बांसवाड़ा के अंदर एक नई फिजा लाएंगे। Thank you.
हमारा 5 साल पहले हमारी सरकार थी और हमारा बोर्ड था, और उस समय आज हम हमारी सरकार है और विकास के मुद्दे लोगों के रोडें नहीं है, लाइट की समस्या है, नालू की समस्या है, पानी की समस्या है, आवाज़ की समस्या है, ऐसा बहुत सारे विकास के मुद्दे हैं। हम अभी वार्डों में घूम रहे हैं, लोगों की छोटी छोटी समस्या, गांव शहर के अंदर ज़्यादातर नालियों की, रोड की और लाइट की समस्या ज़्यादा है, और हम उन छोटी छोटी बातों को लेके हम घूम रहे हैं विकास को मुद्दे के लिए, और अपने आप यहाँ के समस्याएं बहुत ज़्यादा है। जहाँ हम वार्ड में घूम रहे हैं, छोटी छोटी बातें लेके लोग आ रहे हैं कि हमारे वार्ड का काम नहीं हुआ, हमारे रोड का काम नहीं हुआ, हमारा नाली का काम नहीं हुआ, हमारा सीपेज का काम नहीं हुआ, हमारे लाइट का काम नहीं हुआ, हमारे BPL कार्ड नहीं पड़े, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। ये लोगों के सामने समस्याएं हैं, हम यही काम लेके जा रहे हैं। मैं तो यही अपील करना चाहूँगी कि 16 नंबर वार्ड में हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार हैं शंकरलाल जी यादव साहब, उनको भारी मतों से आप जिताइए और विकास इन पे छोड़ दीजिए। विकास बोर्ड कांग्रेस का बनेगा तो अपने आप ही विकास हो जाएगा। जोशी वार्ड संख्या 12 से कांग्रेस का प्रत्याशी हूं। मेरे वार्ड में मोहन कॉलोनी का क्षेत्र आता है और मैं पूर्व में भी 3 बार पार्षद के रूप में नगरपालिका नगर परिषद में अपना कार्य कर चुका हूं। मैं अपने वार्डवासियों की सेवा करना चाहता हूं। कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में मुझे यहां उम्मीदवार बनाया गया है। वार्ड की जो दुर्दशा है, वार्ड के जो सड़कों के नालों की, बगीचा मीरा पार्क जिसकी हालत बहुत खस्ता हो रही है, ऐसे हालत देखते हुए उन हालातों के अंदर मैं शहर के इस वार्ड की विकास के लिए अपना ये कोशिश पूरी करना चाहता हूं कि वार्ड के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले। हमारे वार्ड में सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक जगह गली वाइज CC कैमरे लगाने का मैं नगर परिषद की ओर से लगवाने का पूरा प्रयास करूँगा, जिससे कि हमारी बहनें और माताएं सुरक्षित रहें, चोरियों का भय दूर हो जाए, और हमारा विशेष एक मीरा पार्क जो है जिसको हम डेवलप करना चाहते हैं, वहाँ बुजुर्गों के लिए वॉकिंग ट्रैक बनाना चाहते हैं, जिससे और बच्चों के खेलने के लिए इक्विपमेंट वहाँ लगें, जो हमारे बच्चे और बूढ़े हैं जिनको एक अच्छी सुरक्षित जगह मिले, रोशनी की समुचित व्यवस्था हो और पानी की समुचित व्यवस्था कर उस गार्डन का विकास हम देखना चाहते हैं। मोहन कॉलोनी के पानी का प्रेशर जो कम है, उसके लिए जो बंद पड़ा कुआ है उसको पुनः हम उत्थान करके
जिसमें मोटर लगाकर प्रेशर के लिए वहाँ से सप्लाई को प्रारंभ करवाना चाहते हैं। हमारे शहर में जो और समस्या है उससे भी हम अवगत हैं। आने वाले समय में कांग्रेस का हमारा बोर्ड बने और हम ज़्यादा से ज़्यादा शहरवासियों की सेवा कर सकें। आप सभी एक मत होकर वार्ड के विकास के लिए आपका मत अमूल्य वोट मुकेश जोशी को देकर विजयी बनावे। मैं वचन देता हूँ कि अपने वार्ड के विकास में मैं तन मन और सभी लोग सहयोग होकर सेवा करेंगे और वार्ड का विकास करना करेंगे। प्राथमिकता से किया जाए। बस मुझे एक बार सेवा का मौका दें और काम करने के लिए तन मन धन से मेरा सहयोग करें। मैं हमेशा वार्ड के विकास के लिए आधी रात को भी तत्पर रहूँ।
मैं एक तो ये बात बता दूं कि 2009 में जब कांग्रेस की सरकार के अंदर जब नगर परिषद में कांग्रेस का बोर्ड था और राजेश जी टेलर साहब हमारे सभापति थे, उस समय में इसी क्षेत्र से मैं पार्षद चुना गया था और हमारी इस वार्ड की हमारी शानदार जनता ने मुझे यहाँ से जिताया था। भारी मतों से मैं यहाँ से विजय होकर मैं गया था और उस समय मैंने यहाँ पर जो कि हीराबाग क्षेत्र और ये सेक्टर 8 का जो क्षेत्र है वो बिखरा सा था। मैंने यहाँ पर विकास के नए आयाम मैंने यहाँ पर मैंने खड़े किए, सड़कें बनाई, नालियाँ, उसके बाद जो यहाँ से नाला बहता था उसके अंदर मैंने पाइप डाल के और उसके ऊपर मैंने सड़क बनाई, सीवर का कार्य किया, बहुत सारे ऐसे काम किए। और आज वर्तमान के अंदर मैं वापस मैं 5 साल के बाद में दोबारा आया हूँ तो यहाँ पर जो काम मेरे द्वारा किए गए थे और अभी वर्तमान में उन कामों की स्थिति ऐसी हो रही है कि दोबारा करने तो वो कार्य करूँगा जो छूट गए। नए कामों के अंदर मुझे यहाँ पर बाग बगीचे बनाने हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी सरकारी जमीन पड़ी हुई है जो कि बगीचों के लिए छूटी हुई है। एक यहाँ पर मेरी प्लानिंग है कि अगर मैं जीत जाता हूँ तो हीराबाग के अंदर, सन्मति नगर में और एक सेक्टर 8 के अंदर गार्डन बनाऊँगा और गार्डन के साथ में मैं ओपन जिम मैं सब जगह स्थापित करूँगा ताकि यहाँ पर हमारे युवा व्यायाम कर सके। मैं अपने क्षेत्र की जनता से वादा करता हूँ और भरसक मैं उनसे आशीर्वाद की मैं उनसे अपील करता हूँ और उनसे उम्मीद करता हूँ। वंदे मातरम। कांग्रेस के प्रत्याशी सभा कालों को चुनाव जीता गया, वार्ड नंबर 51 से भारी मतों से विजयी बना है। वार्ड की जनताओं से हमारा आह्वान है कि कांग्रेस की प्रत्याशी जायदा खातून को अधिक से अधिक वोट देकर भारी मतों से नगर परिषद के इलेक्शन में जिताकर उनको पार्षद बनाए। हेलो हेलो।